नमस्कार स्टूडेंट, यहाँ पे हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कुछ इम्पोर्टेंट रूल यहाँ पे समझते हैं। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी, तो मैं फिर से कुछ रूल जो हैं इम्पोर्टेंट रूल्स उनको फिर से बता देती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है विच वन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। यहाँ पे कुछ न्यूमरल आपको गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। ठीक है, आपको कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट आप इनको देखते ही बता पाओगे। तो एक रूल है आपका जिससे आपको पता चल जाएगा देखते ही किसी भी नंबर को ये परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 225 किसका होता है, 15 का होता है, 420 का होता है, 144 आपका 12 का होता है, 196 14 का होता है, लेकिन क्या ये नंबर किसी का होता है? नहीं। लेकिन देखो मैंने तो आपको ये बता दिया कि भाई ये उस नंबर का होता है, ये उस नंबर का होता है, बट आप हमेशा तो इतनी छोटी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी ना, मे बी आपको इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू भी दे दे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या कि आपको गिवन होता है आ स्क्वेयर ऑलवेज हैव एन डिजिट, एन डिजिट 0, 0, 4, 5, 6। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये रूल कैसे बन रहा है पर मैं साथ साथ आपको बताती हुई चलती हूँ। देखो हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36, 7 का और देख लें, 7 का क्या होता है 49। आप ध्यान से देखो यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, आगे आप जाओगे 8 जा 64, फिर से 6 4 रिपीट हो जाएगा, 9 9 जा 81, 1 रिपीट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया कि 0 होता है 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, 4 होता है एन डिजिट, 5 होता है, 6 होता है एन 9। किसी भी स्क्वेयर की जो एन डिजिट होती है वो क्या होनी चाहिए, 0 1 4 5 6 9। ठीक है, 0 में भी डबल 0 होती है, ओके 1 4 5 6 9। ये किसी भी नंबर की आपकी, अगर आपको पता करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर आपका स्क्वायर है या नहीं, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि वो एंड डिजिट को देख लेना। अगर उसकी एंड डिजिट आपको 00 00 लगा देती हूँ, 00 1 4 5 6 9 अगर आपको मिलेगी तो परफेक्ट, एब्सोल्यूटली क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 00, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 6, ठीक है, बट यहाँ पे क्या गिवन आपको 7, इसलिए क्या 627 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपसे पूछा गया है इज इट पॉसिबल दैट 129 मल्टीप्लाई बाई 129 इज इक्वल टू, आपको गिवन है 16832 4, 1,68,324। अब यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ ये क्या है, स्क्वेयर है। किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपके पास क्या बन जाता है, स्क्वेयर। तो यहाँ पे इसकी एंड डिजिट क्या है, 9, यहाँ पे क्या है एंड डिजिट 9। अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई 9 से करती हूँ तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 81। एंड डिजिट क्या नहीं चाहिए, 1। एंड डिजिट क्या नहीं चाहिए आपके पास, 1, और यहाँ पे एंड डिजिट किया गिवन आपको 4, तो क्या हो जाएगा 9। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, वाई, बिकॉज दी एंड डिजिट ऑफ
ऑफ 1 6 8 3 2 4 इज नॉट वन, ठीक है, क्योंकि इसकी जो एंड डिजिट है वो वन नहीं है, जबकि हमें पता है, यहाँ पे बताया मैंने आपको 9 की, अगर आप 9 से यूनिट की यूनिट से मल्टीप्लाई करते हो एंड डिजिट की एंड डिजिट, तो एंड डिजिट भी तो इसी के अकॉर्डिंग आएगी भाई, तो आप क्या कहोगे, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज द एंड डिजिट ऑफ दिस नंबर इज़ नॉट वन, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि वन आया तो कैसे आया, ठीक है। आई होप आप देखो, करने को तो कोई ये भी बता सकता है कि आप इसके अकॉर्डिंग बता सकता है, बिकॉज द एंड डिजिट ऑफ 129 इज़ वन, वैसे भी बता सकता है, ठीक है। मैंने इसके अकॉर्डिंग बता दिया, वो आपको इसके अकॉर्डिंग, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बताने को तो इस किसी भी मेथड से बताया जा सकता है। तो इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 रूल्स होते हैं, अगर आप समझोगे तो 3 लैंग्वेज होती है बेसिकली, तो आप इसी के अकॉर्डिंग पता लगा पाओगे कि कौन सी m की वैल्यू है, कौन सी 2m की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरह से दी है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट वन ऑफ हुज मेंबर इज 12। देखो यहाँ पे उसने कोई स्मॉलेस्ट वर्ड यूज़ नहीं किया है, जस्ट आपसे बोला गया हुज मेंबर इज 12, तो जब भी आपको ऐसे बोला जाता है तो ये किसकी वैल्यू होती है, 2m की, ठीक है, किसकी वैल्यू होती है, 2m की। और जब इस तरह का मेनली फॉर्मूला होता है आपका, इसमें 2m पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, 2m एम स्क्वेयर माइनस वन एम स्क्वेयर प्लस वन, मैं पहली वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर कर चुकी हूँ, इसमें आपको फिर से एक बार मैं रिपीट करा रही हूँ। तो ये 2m की वैल्यू, इट मीन्स 12, एम इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 2 6 12, 12 बाई 2, 2 6 12, तो आपके मेंबर क्या आ जाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे आपके सबसे पहले 2m, तो 2m आपको गिवन है कितना, 12, सेकंड क्या हो जाएगा, एम स्क्वेयर माइनस वन, एम स्क्वेयर माइनस वन मीन्स एम की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6, 6 रखेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 6 6 36 माइनस वन 35, 6 की वैल्यू एम स्क्वेयर में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 स्क्वेयर प्लस 1 मीन्स 37, बात समझ में आ रही है आपको। सेकेंड लैंग्वेज को देखते हुए चलते हैं कि फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर, यहाँ पे वर्ड दे दिया आपको स्मॉलेस्ट मेंबर, स्मॉलेस्ट मेंबर इज 7, और 7 भी क्या है आपका, ओड नंबर, इवन नहीं है आपका, क्या है, ओड नंबर। तो इस केस में आपका फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, एम फॉर्मूला मीन्स जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा वो आपका क्या होगा, एम एम स्क्वेयर माइनस 1 बाय 2 एम स्क्वेयर प्लस 1 बाय 2, ठीक है, आपका फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज़ होगा। थर्ड जो आपका इसमें रूल बनता है वो क्या बनता है, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है हु स्मॉलेस्ट मेंबर, अब यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट मेंबर गिवन है, यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट मेंबर गिवन, डिफरेंस क्या है, वैल्यू आपको क्या दे दी गई है, इवन, यहाँ पे ओड थी, ओड होगी तो फॉर्मूला ये यूज़ होगा, और जब आपको कुछ भी ना बोला जाए, स्मॉलेस्ट वर्ड ही ना दिया जाए, तो आपको ये किसकी वैल्यू गिवन होती है, 2m की वैल्यू गिवन होती है, और यहाँ पे इवन में वैल्यू गिवन है तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, m एज इट इज़ रहेगा आपका पाइथागोरियन में, मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू वो एज इट इज़ रहेगी, 14 14 ही रहेगा, सेकेंड क्या हो जाएगा, एम स्क्वेयर माइनस 4 बाय 4, थर्ड हो जाएगा आपका एम स्क्वेयर प्लस 4 बाय 4। अब जो ये मैंने 3 फॉर्मूलाज आपको बताए हैं, इनको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ नंबर के साथ। केस फर्स्ट में आपको वैल्यू क्या गिवन थी, 2m, 2m इज इक्वल टू कितना गिवन था आपको, 12, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई थी, 12 बाई 2 मीन्स 6, और आपको पता है यहाँ पे सिर्फ मेंबर बोला गया, स्मॉलेस्ट मेंबर नहीं बोला, तो फॉर्मूला रहेगा आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका रहेगा 2m एम स्क्वेयर माइनस 1 एम स्क्वेयर प्लस 1, तो यहाँ पे 2m की वैल्यू तो आपके पास कितनी है, 12, यहाँ पे एम स्क्वेयर माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, एम की वैल्यू 6 है, मीन्स 6 स्क्वेयर माइनस 1, 6 स्क्वेयर माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 6 6 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35। अब यहाँ से
एम स्क्वेयर प्लस वन निकाल लेंगे, सिक्स स्क्वेयर प्लस वन, सिक्स सिक्स 36 प्लस वन मीन्स 37। ये आपका केस नंबर फर्स्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। केस नंबर सेकंड में क्या दिया था आपको, वैल्यू, स्मॉलेस्ट मेंबर आपको गिवन था, स्मॉलेस्ट मेंबर इज गिवन टू यू 7, जो कि क्या था, ओड नंबर था। और ओड नंबर रहेगा तो आपका जो पाइथागोरन ट्रिपलेट वो क्या रहेगा, एम एम स्क्वेयर माइनस 1/2 एम स्क्वेयर प्लस 1/2। तो यहाँ एम की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 7, एम इज इक्वल टू 7 आपको गिवन है। एम स्क्वेयर माइनस 1/2 की वैल्यू निकाल लेंगे, एम स्क्वेयर मीन्स 7 का स्क्वेयर, 7 स्क्वेयर माइनस 1/2, सोल्व करेंगे तो कितना, 7 7 जब 49 माइनस 1/2 मीन्स 49 माइनस 1 कितना होता है, 48, 48/2, 2 2 जब 4, 2 4 जब 8। तो यहाँ पे आपका सोल्व हो जाएगा, जो सेकेंड लास्ट वन होगा एम स्क्वेयर प्लस 1। एम स्क्वेयर प्लस 1 मीन्स एम की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, 7, 7 स्क्वेयर प्लस 1, 7 7 जब 49 प्लस 1/2, ठीक है, 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/2 मीन्स 2 2 जब 4, 2 5 जब 10 कितना आ गया, 25। तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बन जाएगा यहाँ पे, पाइथागोरियन गोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा आपके पास, 7 24 एंड 25। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं लास्ट केस पे, जो कि केस नंबर थर्ड, जो कि मैंने आपको पीछे, केस नंबर थर्ड है आपका, आपको गिवन था स्मॉलेस्ट मेंबर, स्मॉलेस्ट मेंबर इज इक्वल टू कितना है, 14, आपको कितना गिवन था, 14 गिवन था। अब आपको पता है 14 क्या है, एक इवन नंबर, और जब आपके पास इवन नंबर रहेगा तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या रहेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका रहेगा एम एम स्क्वेयर माइनस 4/4 एम स्क्वेयर प्लस 4/4। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, एम की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 14। यहाँ से आप निकालोगे एम स्क्वेयर माइनस 4, एम स्क्वेयर मीन्स 14 स्क्वेयर, का हो जाएगा 14 स्क्वेयर माइनस 4/4। 14 का स्क्वेयर क्या होता है आपका, 196 माइनस 4/4, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 196, 6 माइनस 4 2, 192/4। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 19 माइनस 16 3, 4 8 जा 32। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई एम स्क्वेयर माइनस 4 के। अब यहाँ पे वैल्यू देखते हैं आपकी, एम स्क्वेयर ये वैल्यू थी इसकी, ठीक है, ये वैल्यू आपकी ये। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, एम एम की वैल्यू आपको 14 गिवन है, 14 स्क्वेयर प्लस 4/4, वही 196 में 4 ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपके पास, 196 प्लस 4 6 प्लस 4 10, 9, 1 एडिशन हो जाएगा, 10, 1 और 1 2, 200 आपके पास होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 5 जा 4 0 जा मीन्स 50। तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, जो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेगा वो रहेगा 14 48 एंड 50, ठीक है, 14 48, फिर से बता देती हूँ, 14 48 एंड 50, ठीक है। ये आपके 3 बेसिक रूल थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इन्हीं को डिस्कस किया, ठीक है, थैंक यू।